अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है लेरी लाला किंजल देवा फुल वीडियो लेटेस्ट गुजराती डीजे सॉन्ग। चलते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है। गरवी गुजरात निया धरती जा पा क्या रतन यण मोल, आखी दुनिया मा गुजरात मारो मोख रे, ए ना केवा मारे बे अवकाशनी पहली यात्रा करनारी मारा मालकनी मारी गुजराती, हाँ अखंड भारत ना गढ़वैया येवा सरदार पटेल पण मारा गुजराती। चौदह वर्ष नी चारण कन्या हवस भगाड़े मारी गुजराती, हाँ मस्तक पड़े ने जेना धड़ लड़े छे डाडा वछराज पण मारा गुजराती। लाला
दिल ने है मुभाय गडवी मारा पाटण न मणि राज गुजराती राष्ट्रीय कवि श्री झवेरचंद मेघाणी मारा मालक ना मारा गुजराती जी गाइस, तो किंजल जी ने जो सॉन्ग गाया बहुत आला बहुत ज़बरदस्त लेरी लारा तो वाकई लेरी लारा कर दिया इन्होंने। और फर्स्ट टाइम मैंने ये सॉन्ग सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं और हनी तो भाई गाने में झूम रहे थे, मज़ा आया। अच्छा, हनी को तो पूरे वर्ड समझ आए गुजराती के, मुझे काफ़ी वर्ड समझ आए और काफ़ी नहीं भी आए, लेकिन उसमें मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। अच्छा, तो ये वाकई इन्होंने ये सही कहा है कि दुनिया में पहले बोलने वाली बोली गुजराती थी, और नो डाउट के ये लोगों ने खाने पीने में ही तो आगे रहे ही रहे, ये तो बातें हमारी चलती रही है सारी मसालेदार, और ये बहादुरी में भी आगे रहे। और ये भी जैसे अभी मैं और रानी ये डिस्कस कर रहे थे, तो 14 साल की बच्ची ने एक शेर को भगा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ नहीं, हाँ ये सारी हिस्ट्री है। जैसे आप देख लो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, वो भी गुजराती थे। आप अगर हम बोले कि एक और भी नाम था बड़ा, उनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, उनका नाम जहन से निकल गया मेरे। बहरहाल जो भी था, ये इसमें जितने भी वीर जवान, मतलब आपको पता है कि निकले गुजरात से, वो थे गुजराती। गांधी जी गुजराती, पटेल साहब गुजराती, अडानी अंबानी मोदी जी और जितनी भी महिला पुरुष थी वो भी जितनों जो डट कर लड़ी, अंग्रेजों से भी लड़ी। और जित वाह भाई वाह, क्लैपिंग है मेरी तरफ से सारे गुजरातियों को। और इसी तरह ही बहादुरी से लड़ते रहे और मज़े मज़े के सॉन्ग गाते रहे, और इसी तरह ही चुलबुलापन अपने अंदर ही रखिएगा, ये नहीं जाने देना। इसी से ज़िंदगी ये शान और शौकत है, जब तक ज़िंदगी है तब तक मस्ती मजाक ये सब चीज़ें अपने अंदर रहनी चाहिए, खाने पीने के साथ साथ। खाना पीना नहीं छोड़ना है, चाहे वो हम मेहमान हो या गुजराती, कई मोटो करो छे। क्योंकि सॉन्ग तो किंजल जी बहु बेहतरीन और बहु आला किस्म नो तुम्हें सॉन्ग बना दो, पूरा इंडिया नो हमारे मतलब विजिट कराए ना, क्यों पूरा गुजरात हमारे तुम्हें बता दिया, एक सॉन्ग में बोल दिया इन्होंने, ना क्यों पूरा गुजरात हमारे काची केरी में अंगूर काला, हमें गुजराती लेरी लार। अंगूर जो ब्लैक है उनका जायका अलग है और ग्रीन का अलग है, काले अंगूर है ना होते। अच्छा, वो महंगे भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रीन, तो ग्रीन का जायका ही हमने थोड़ा ज्यादा चखा हुआ है, तो वो अच्छे भी लगते हैं, चलते रहते ना, लेकिन काले अंगूर मतलब एक्सपेंसिव भी है, महंगे भी है और कम भी है। तो हमारे पाकिस्तान में तो आई डोंट नो इंडिया में है या नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में थोड़े ग्रीन से थोड़े जो काले अंगूर है वो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आज का सॉन्ग तो बहुत ही मतलब के अच्छा रहा और मतलब बेहतरीन, मतलब के पूरे गुजरात को रिप्रेजेंट सॉन्ग था। और ये सॉन्ग में मैं बोलता हूँ कि हर गुजराती एक अपने आप को फख्र महसूस करता होगा, बिल्कुल, कि हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, मतलब हमारे भी जितने भी जवान थे, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और क्या क्या करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया और मुल्क को लेके चले, और कितना उन्होंने स्ट्रगल किया और कितना उन्होंने काम करा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही है। और आज का यकीनन आपको भी सॉन्ग में मज़ा आएगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। तो फिर इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से, इसी तरह की मजे मजे की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।